बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस्लामाबाद में नमाज़ों के औक़ात क्या हैं। ये है जो ये नमाज़ों के औक़ात हैं सितंबर के महीने के, ये जो सितंबर का महीना है, सितंबर के महीने के नमाज़ों के औक़ात आपसे शेयर करने जा रहे हैं। ये देखें प्रेयर टाइम्स फॉर इस्लामाबाद पाकिस्तान सिटी, ये जो नमाज़ों के औक़ात हैं ये 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हैं। 30 दिन पूरे महीने के नमाज़ों के औक़ात आपसे शेयर करने जा रहे हैं। इसमें है फजर की नमाज का वक़्त, सूरज निकलने का वक़्त सनराइज़ टाइम, इसके बाद जोहर की नमाज का वक़्त, असर की नमाज का वक़्त, मगरब की नमाज का वक़्त, इशा, पाँचों वक़्त की नमाज़ों का टाइम है। ये अभी आपसे शेयर करते हैं, ये देखें, ठीक है। ये चीज़ें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, आपको पता नहीं है कितना टाइम लगता है, वक़्त लगते हैं, कई घंटों के बाद आपके पास ये डाटा लेकर आते हैं, तो एक मिनट की वीडियो में आपसे शेयर कर रहे हैं। ये देखें इतना क्लियर समझाया गया है, पूरी दुनिया में हमारा चैलेंज है, कोई बंदा नहीं ऐसा काम कर रहा अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हमारा फार्मेट है। ये देखें 1 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने मोबाइल में सेव कर लें। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, हम इस पर नमाज़ों के औक़ात ही बताते हैं। ये देखें 17 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक एक और स्क्रीनशॉट ले लें, अपने मोबाइल में सेव कर लें, इंशाल्लाह 30 दिन आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। पाँचों वक्त की नमाज़ों का टाइम आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप दोस्तों के लिए। अगर आप एक मुसलमान हैं, अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो फिर आप तो नमाज़ ही नहीं पढ़ते होंगे। तो ये देखें फजर की नमाज यहाँ से शुरू होती है और जब सूरज निकलता है तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये है फजर से लेकर इशा तक पाँचों वक्त की नमाज़ों का टाइम। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिएगा, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।